सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। इस समय तेलंगाना के लाल मिर्च किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं है। उनकी पैदावार की कीमत उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और किसानों को लाल मिर्च के लिए प्रति क्विंटल 48,000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहे हैं। पिछले साल इसी लाल मिर्च की कीमत 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास थी। इस साल थ्रिप्स कीटों के हमले के कारण किसानों की फसल काफी प्रभावित हुई थी। इस कारण पैदावार में कमी आई थी, किसानों को नुकसान का डर था, लेकिन दाम में बढ़ोतरी से उन्हें काफी राहत मिली है। तेलंगाना की सबसे बड़ी मिर्च मंडी एनु मामूला में पिछले एक महीने से दाम में बढ़ोतरी हो रही है। लाल मिर्च की सिंगल पत्ती किस्म और देसी किस्म की कीमत सीजन के शुरुआत में 27,000 रुपए थी। इसी से मिर्च पाउडर बनाया जाता है और लोग अचार बनाने के लिए भी इसका ही इस्तेमाल करते हैं। सीजन के शुरुआत से ही भाव बढ़ने लगे थे, लेकिन मार्च में विशेष तेजी देखने को मिली। 10 मार्च को सिंगल पत्ती किस्म का भाव 42,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। दाम में बढ़ोतरी के पीछे की वजह को बताते हुए विशेषज्ञ कहते हैं कि इस बार फसल पर थ्रिप्स कीटों ने हमला कर दिया है। इस कारण पैदावार में भारी गिरावट आई। इस वजह से कटाई सीजन की शुरुआत के साथ ही पिछले साल के मुकाबले कई गुना अधिक रेट पर बिक्री शुरू हुई। उसके बाद युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उठा पटक का दौर शुरू हुआ, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। तेलंगाना के एनु मामूला मिर्च मंडी से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में लाल मिर्च की आपूर्ति होती है। वहीं विदेशों में भी यहां से निर्यात का काम होता है। शुरुआत में ही दाम बढ़ने के कारण किसानों ने अधिक कीमत की चाह में अपनी पैदावार को स्टॉक करके रख लिया था। बाजार से जुड़े लोगों ने बताया कि किसानों ने कोल्ड स्टोरेज में किराए पर अपनी फसल रखी थी, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। बढ़ी हुई कीमत का फायदा सिर्फ किसानों को ही नहीं मिल रहा, बल्कि मंडी का राजस्व भी बढ़ा है। स्थापना के बाद से मंडी को सेस के रूप में इस बार सबसे अधिक राजस्व की कमाई हुई है। मंडी के सचिव का कहना है कि इस बार लक्ष्य 28.30 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब तक 33.63 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हो चुकी है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।